वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हाई होटल डीसी के लिए बूस्टर क्लास 21 क्लास अपनी हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो 22 नंबर की है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के अंदर प्रायवाची शब्द। तो बसंत, बसंत के लिए प्रायवाची क्या होंगे? ऋतुराज, मधुमास, पिकमित्र, माधव और कुसुमाकर, कुसुमाकर। तो इसके अंदर आपको जो याद रखना है वो एक तो ऋतुराज याद रखना है और पिकमित्र याद रखना है। बाग, बाग मतलब बगीचा, उद्यान, उपवन और वाटिका। युद्ध, जंग, संग्राम, समर, घमासान, लड़ाई और रण। तो इसमें समर और रण आपको याद रखना है युद्ध के लिए। शत्रु, शत्रु के लिए अरि, रिपु, अमित्र, दुश्मन, वैरी, विपक्षी और प्रतिपक्षी, ये आपको शत्रु के लिए याद रखना है। दुख, दुख के लिए वेदना, पीड़ा, शोक, कष्ट, व्यथा, क्लेश और खेद, ये आपको दुख के लिए याद रखना है। तो दुख के अंदर कौन सी संधि है? तो दुख के अंदर है विसर्ग संधि। तो बसंत के अंदर आपको याद रखना है ऋतुराज और पिकमित्र। बाघ के अंदर आपको पता चल ही जाएगा बाघ का। युद्ध के अंदर आपको समर और रण याद रखना है। शत्रु के अंदर आपको ये वैरी याद रखना है और अरि, और दुख के अंदर आपको क्लेश, क्लेश और खेद आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको याद रखना है एक साथ, ताकि आपको भूलने का कोई चांस ही ना रहे। विलास का तपस्या, विवादास्पद का निर्विवाद। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि निर्विवाद किसी को चुन लिया गया है चुनाव के अंदर। वेदना का आनंद, शयन का जागरण, शीत का उष्ण या ताप, शुक्ल का कृष्ण, जैसे शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है वैसा। श्रोता का वक्ता, सगुण का निर्गुण, सत्कार का तिरस्कार और सूक्ष्म का स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही महीन और बारीक, और स्थूल का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा। ठीक है, ये हो गए अपने विलोम शब्द। अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना? जैसे दूसरे की बुराई खोजने वाला या खोजने वाली क्या हो जाएगा? परछिंद्रानवेशी, या परछिंद्रानवेशी जो दूसरे के अंदर कमियां खोजता है या खोजती है उसको परछिंद्रानवेशी कहा जाता है। जो दूसरों का भला करता हो उसको परमार्थी कहते हैं। ईश्वर द्वारा भेजा गया जो दूत होता है उसको पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैगंबर। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधगम्य। जिसकी आंखें मछली या मकर जैसी हो उसको मकराक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मकराक्ष। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे पहले है, आए थे हरिभजन लौटन लगे कपास, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। जैसे कई बार क्या होता है, आदमी इंसान जाता तो है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन यूपीएससी न होने की वजह से वो जैसे कि कोई पीसीएस एग्जाम होता है या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें लग जाता है। तो इस जो जो मुहावरा है वो क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन लौटन लगे कपास। न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना, किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, तो बुरा काम करने पर अच्छा नतीजा कैसे मिल सकता है। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। तो ये हो गए हमारे मुहावरे और लोकोक्ति। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में मैंने आपको क्या कहा था कि आपको शुद्ध शब्द की इमेज आपको माइंड में बनानी होगी, तभी आपको ये शब्द शुद्धि का ज्ञान होगा। जैसे आपातकाल, आपत्तकाल नहीं होता, वो आपत्तकाल होता है। क्या होता है? आपत्तकाल। जिसके अंदर जो तय, इसके अंदर जो पूरा दे रखा है वो इसके अंदर आधा आएगा। क्या आएगा? आपत्तकाल। अरण्य नहीं होता, अरण्य होता है। ठीक है, अरण्य मतलब होता है वन, जंगल। आह्वान में वह यहाँ नीचे आएगा और है के नीचे हलंत आएगा। ठीक है, आह्वान होता है। ईर्ष्या में आधा षटकोण वाला आएगा और फिर ये के साथ ऋ की मात्रा आएगी। इंदु, इंदु के अंदर जो बड़ा उ है वो छोटा उ आएगा, और इंदु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चंद्र, चंद्रमा के लिए। फिर है सप्तमयुग में। सप्तमयुग आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर 2 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है। अनिल का आग होता है, ठीक है, और अनिल का हवा होता है। अहम का अहंकार होता है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और अहम का महत्वपूर्ण होता है।
तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। जिसके नीचे अहम के अहम अहम जिसके नीचे हलंत लगा हो उसका अहंकार होगा, और अहम जिसके नीचे हलंत नहीं लगा हो उसका होगा महत्वपूर्ण। फिर है अनुराग। अनुराग का प्रेम होता है और विराग का विरक्ति या उदासीन होता है। अली, अली और आली का मतलब भौंरा होता है। भौंरा आपने सुना देखा होगा जो फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। और अली, अली और आली सखी होती है, ठीक है, मतलब महिला मित्र। छोटी अली और छोटी आली वाली में ल के ऊपर जो मात्रा होती है उसका मतलब भौंरा होता है, और बड़ी मात्रा की वाली जो होती है वो होती है सखी। अवशेष होता है बचा हुआ, और अविशेष होता है साधारण सामान्य। अब देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, वह है जो सभी जगह उपस्थित होता है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। जैसे कई बार अपन कहते हैं कि ईश्वर सभी के अंदर और सभी जगह मौजूद है, तो वो ईश्वर जो है वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वह दवाई जो जहर के एंटीडोट की तरह काम करती है उसको एंटीडोट कहते हैं, मतलब उसको काउंटर करने का जो काम करती है उसको एंटीडोट कहते हैं। वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स, वह व्यक्ति या वह जो दान करने के कार्यों में लगा होता है उसको फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलान्थ्रोपिस्ट। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, वह जो खूब सारा खाना खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटोन। क्या बोलते हैं? ग्लूटोन। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, ठीक है, वह मतलब एक एस्टिमेट लगाते हैं अपन की एक तरह से, जब मान लो किसी एग्जाम का सिलेबस मान लो, तो वो किसी भी एग्जाम का एस्टिमेट होता है कि कैसे क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, उसको बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। 8 बिट का 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है किलिंग और मर्डर ऑफ फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, मतलब राजनीतिक कारणों से जो हत्याएं और हत्याएं होती हैं उनको बोलते हैं असेसिनेशन। क्या बोलते हैं? असेसिनेशन। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, वह जो धार्मिक कारणों से मरता है उसको बोलते हैं मार्टियार। क्या बोलते हैं? मार्टियार। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेवनली बॉडी सच एज द सन मून स्टार्स और प्लैनेट्स, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। वन हु वॉक्स ऑन ए फुट, वह जो अपने पैरों पे चलता है, जो पैदल चलने वालों के लिए बना होता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। ठीक है, जो अपनों जो चलने के लिए अपने पैरों का काम काम में लेता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। फिर है वोकैब। तो वोकैब के बिना इंग्लिश अधूरी है, तो वोकैब तो बहुत ही जरूरी है। ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक का मतलब होता है दर्दनाक, जैसे किसी के ट्रोमा हो जाता है ना, तो वो दर्द से गुजरता है, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉकिंग हो गया, डिस्ट्रेसिंग हो गया, डिस्टर्बिंग हो गया, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूथनिंग, कामिंग और प्लीजिंग। इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है अपरिहार्य, मतलब किसी काम का नहीं, अपरिहार्य मतलब कोई खतरनाक या बेकार काम या बहुत ही जरूरी काम। सिनोनिम इसका हो जाएगा क्रूशियल, नेसेसरी और एसेंशियल, मतलब बहुत ही जरूरी, इसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं अपरिहार्य। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पेंसिबल, सरफ्लुइस, सुपरफ्लुइस, नॉन एसेंशियल, ठीक है। फिर है ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिसएग्रीबल, नेस्टी, अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव। क्या? ऑफेंसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिलाइटफुल, प्लीजेंट और चार्मिंग। अनहिलेट, अनहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, जैसे रफ रफ करना होता है मिटा देना, वैसे ही। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइप आउट, डिस्ट्रॉय और ओब्लिटरेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? क्रिएट, बिल्ड और एस्टेब्लिश। फिर है कन्फर। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, किसी चीज को देना। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? प्रेजेंट विद और या टू, ग्रांट टू या अवार्ड टू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विद होल्ड या रिमूव। विद होल्ड या रिमूव, पकड़ कर रखना, सॉरी छोड़ देना या हटा देना। फिर है नेक्स्ट इडियम और फ्रेजेस। क्या है? इडियम और फ्रेजेस। एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवन्स ओवर द इशू ऑफ
डोमेस्टिक सिक्योरिटी। लूज हेड, लूज हेड का मतलब होता है पैनिक। ही लॉस्ट हिज हेड एंड सेड सम थिंग्स ही रिग्रेट्स, मतलब उसने, उसके सर में दर्द होने लग गया क्योंकि उसको कुछ जो विचार हैं उनके ऊपर, उसके द्वारा की गई जो भी कार्य थे उनके ऊपर उसको खेद है। टेक टू टास्क, टू क्रिटिसाइज सेवरली, टू पनिश। माई प्रोफेसर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट साइटिंग माई सोर्स करेक्टली। नेक्स्ट है सिट इन जजमेंट, टू पास जजमेंट एक्सपेशली वेन यू हैव नो अथॉरिटी। ही आर्ग्यूज वेरी स्ट्रॉन्गली दैट नन ऑफ अस हैज द राइट टू सिट इन जजमेंट। वह, उसके जो तर्क हैं वो इतने कठोर और इतने मजबूत हैं कि उसके सामने कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता। लिव इन द लर्च, टू डेजर्ट डिजर्ट समर। ही एडवाइजर्स लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। जो उसके सहयोगी हैं, उसके जो सलाहकार हैं, उसको तब छोड़ के चले गए जब उनको उसको उनकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। ठीक है, तो लिव इन द लर्च यानी कि बीच में ही छोड़ जाना। फिर नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, एसिटिक। एसिटिक का मतलब होता है तेजाबी। विनेगर कंटेंस एसिटिक एसिड, और एक होता है एसिटिक, एक एडजेक्टिव हो गया और एक हो गया नाउन। ये एसिटिक है और ये एसिटिक है, ठीक है। तो एसिटिक का मतलब हुआ वैरागी या सन्यासी। सी लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ होम टू लिव इन द लाइफ ऑफ एसिटिक, ठीक है। जुडिशियल का मतलब होता है निष्पक्ष या न्याय संबंधित। क्या होता है? निष्पक्ष या न्याय संबंधित। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इन टू द डेथ। जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण या सुविचारित। क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण या सुविचारित। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ दैट ओल्ड मैन। फिर नेक्स्ट है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, यानी कि जो परिस्थितियां होती हैं वो अपने विरुद्ध जब चल जाती हैं तो उसको बोलते हैं एडवर्स परिस्थितियां, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। लैक ऑफ मनी विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ओवर रिसर्च प्रोग्राम। फिर एक होता है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, अनिच्छुक, ठीक है। आई हैव नेवर मेट समवन हु वाज कंप्लीटली एंड अटली एवर्स टू इटालियन फूड, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 22वीं क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा।